नारायण भगवान से फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई नाभि कमल से। नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। 100 साल तक नाभि के जड़ तक कमल के डंडी के नीचे जाके प्रयत्न किए कि निकला कहां से, जरा देखूं तो 100 साल तक ढूंढते रहे। फिर 100 साल ऊपर आने में उनको लग गया कि अब ये नहीं मिलेगा, बेकार है। ऊपर आके चुपचाप बैठ गए, चिंतित हो गया, मैं क्या करूं, किस मूल से मैं आया हूं। बोलते हैं समुद्र से थप थप की आवाज हुई। यद्यपि हमारे जो अ से लेके ज्ञ तक 21वां लेटर और 26वां लेटर है परहैप्स, जहां तक मैंने देखा है, तप, इन दोनों शब्दों को मिलाकर ब्रह्मा जी ने कहा तप से ही सब कुछ होगा। थप थप की आवाज से तपस्या प्रारंभ की। भारतीयों ने सब कुछ अपना लिया लेकिन तपस्या छोड़ दी। अब तो बद्री केदार भी तपस्या नहीं रह गया। अरे बद्री ना, एक आदमी तो हमको ऐसा मिला कि सुबह हमारे साथ था, शाम को हमको मिला, कहां से आया, बोला बद्रीनाथ का दर्शन करें, पगला गया क्या, बोला हाँ बद्रीनाथ साहब। बद्रीनाथ उस समय की बात है जब हम सोचा करते थे कि बद्रीनाथ जो जाएंगे तो सब विल विल करके जाते थे लिख के कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ खबर नहीं। बद्रीनाथ वो गया बेचारा, बोला 7 बजे यहाँ से निकले, देहरादून पहुंचे, देहरादून से हेलीकॉप्टर लिया, हेलीकॉप्टर से वहाँ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से फिर आकर देहरादून, देहरादून से यहाँ दिल्ली, दिल्ली से उतरकर वृंदावन पहुंच गए। वाह रे तेरा बद्रीनाथ, कैजुअल बना दिया यार, इतना समुद्र छीला बना। देखो बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल के पास पहुंचने में, रास्ते में जो उनका स्मरण करते हुए कठिनाइयों में तपस्या की तरह, तपस्वी की तरह जो वहां पहुंचते थे, वास्तव में बद्री विशाल का वो महत्व है। 2 मिनट में जाके बद्री विशाल को देख ही आए तो तुम्हारे बद्री विशाल भी 2 मिनट वाले हो गए। भारतीय, ये विज्ञान ने भारतीयों के जीवन से तपस्या मिटा दी पूरी तरीके से। इतने आराम और वैसे ही जीना हराम। जितने इनके पास आराम के वस्तु बढ़ते जा रहे हैं उतना इनका माइंड उलझता जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ भैया, जब तुमको सामान इतना मिल गया, तुमको गाड़ी मिल गए, तुमको नए नए वैज्ञानिक, रोज कुछ ना कुछ इन्वेंशन हो रहा है, हर चीज मशीन से बन रही है, रोटी भी नहीं बनाना पड़ रहा है, मशीन में रोटी तुम्हारी बन जा रही है, तो अब तो तुम्हारे पास समय ही समय होना चाहिए, तुमको आनंदित होना चाहिए, थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, पति पत्नी बैठ के बात करना चाहिए, बच्चों से बात करना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है। पत्नी को क्या शिकायत है, समय नहीं देते। माँ बाप को क्या शिकायत है, समय नहीं देता। परिवार एक साथ बैठते नहीं, और इतना इतना सब आराम का सामान। उस जमाने में जब जाते को चला करके आटा निकाल करके भी मैया और दादी बनाती थी, तब भी सामूहिक परिवार एक साथ बैठता था, एक साथ दादा दादी, दादा के 3 भाई, 25-50 लोगों की फैमिली, आनंद उत्सव मस्ती संस्कृति, छोटे छोटे कबूतर खाने में फ्लैटों में पड़े हुए कबूतर की तरह, हम दो हमारे दो की जिंदगी। उसके बाद भी मरने का समय नहीं, किसी से मिलने का समय नहीं। इज इट डेवलपमेंट, क्या इसको डेवलपमेंट कहते हैं? अगर ये विकास है तो विनाश किसे कहते हैं?